टू फैमिली। राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। लक्ष्मी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। और फिर मेरा पूजा भी कंप्लीट हो गया था, मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि इस टाइम ना बहुत जल्दी रहता है, बच्चों को स्कूल जाना रहता है और मेरा छोटा बेटा भी स्कूल जाने लगा है ना, तो उसको रेडी करने में मतलब जाने का उसका मन नहीं रहता, अभी छोटा है ना, तो उसको रेडी करने में भी बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी टिफ़िन भी रेडी कर लेती हूँ उसको, मतलब थोड़ा लेट में जाना रहता है, 8 बजे तक जाना रहता है, मानस को रेडी करने में बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ टिफ़िन रेडी करके, चाय बना के बच्चों के लिए। वैसे मानस को दूध देती हूँ, बट मैं वैसे पराठा नहीं खाता है, थोड़ा चाय दे दो तो उसे खा लेता है पराठा, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा चाय भी दे देते हैं। वैसे चाय नहीं देना चाहिए बच्चों को, बट थोड़ा सा उसको देना पड़ता है तभी वो खाता है। और फिर उसके बाद मैं एक साइड में मतलब सब्जी बना रही हूँ थोड़ी सी, बस बच्चों के लिए सादी सब्जी, और फिर और बाद में बनाएंगे सब लोगों के लिए। और एक साइड में मैं चाय बना रही हूँ, और अभी तो मानस सो के नहीं उठाया, अभी सो के उठेगा फिर उसको रेडी करेंगे, वो स्कूल जाने में ना बहुत ज़िद करता है, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी करना रहता है सुबह सुबह, इसलिए मैं और कुछ सूप नहीं कर पाई। और फिर पूजा कंप्लीट करके फिर मैं किचन में आ गई थी। और फिर कितना भी जल्दी करो ना तो सुबह लेट होता ही रहता है, कितना भी जल्दी उठो। वैसे मैं उठ गई थी 4:30 बजे ही उठ गई थी, बट काम भी बहुत रहता है ना घर पर, पूरा कमरे में पोछा लगाओ, झाड़ू पोछा करके पूरा मतलब कुल मिला के लेट हुई हो जाता है। फिर पूजा करने में भी मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है ना, कम से कम 45 मिनट या 30-35 ऐसे करके लगता है, तो इसीलिए थोड़ा मतलब लेट ही हो जाता है डेली। मैं टिफ़िन पैक करके रख दी थी, फिर मैं चली आई थी मानस को रेडी करने, तो मैं मानस को नहला के फिर मतलब उसको रेडी करके जल्दी जल्दी रेडी कर दूँ, अभी वो दूध भी नहीं पिया था, तो मैं सोची थोड़ा रेडी भी कर दूँगी फिर दूध पिला दूँगी तो अच्छा रहेगा, तो उसे मैं रेडी कर रही हूँ। देखिए कितना ज़िद कर रहा है, बोल रहा मम्मा एक दिन ना जाएँ, मम्मा एक दिन ना जाएँ। और फिर बीच में मायके चले गए थे ना, तबीयत भी मेरा ख़राब था, तो उसका ड्रेस भी नहीं आ पाया है, कल हो सकेगा तो आ जाएगा, संडे को उसका ड्रेस, ये सैटरडे का है, कल तक ले आएंगे इसमें उसका ड्रेस, तो इसीलिए मैं वैसे सिंपल कपड़े में ही भेज रही थी। वैसे वैसे डांट पड़ेगा उसको, बट क्या करूँ, वैसे डेली डेली मिस करो तो अच्छा भी नहीं है। और ये मेरी ननद रानी आई हैं छोटी वाली, तो उनका बेबी भी बगल में खड़ा था, वो सब देख रहा था, बोल रहा था मामी मुझे भी जाना है, मामी मुझे भी जाना है। उसको क्या पता था कि कोचिंग नहीं जा रहे हैं, कोचिंग जाते हैं तो लेते जाते हैं, बट स्कूल में कहाँ लेके चले जाएँ, अच्छा नहीं रहता है। और फिर उसके बाद में कोचिंग गए थे कल ना बच्चे, तो वो गया था, तो इसीलिए उसको भी जिद है। आप लोग ऐसे ब्लॉग में बने रहिए। इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, कपड़ा की वजह से सिल्क मंगवाया है, कलर भी अच्छा लग रहा है प्यारा। आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए मेरी साड़ी कैसी है। और इसका कपड़ा ना बहुत अच्छा है, और ये ब्लाउज, ब्लाउज का कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है, ये कोटा जो आता है ना बहुत मोटा कपड़ा रहता है, वो पहनने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है। आप लोगों को कैसा लगा ये साड़ी, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और मैं मीशो से मंगवाई हूँ ये साड़ी, और जो रेड वाली साड़ी का वीडियो डाले थे वो वाली साड़ी मैं शॉपसी से मंगवाई थी, उसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, उसका भी कपड़ा बहुत अच्छा है, मतलब कपड़ा अच्छा रहता है, कलर अच्छा है, तो पहनने में अच्छा लगता है। और वाली साड़ी पहनना तो अच्छा नहीं लगता है, 10-5 मिनट के लिए पहनना है, तो वाली साड़ी पहन लो, ये सब साड़ी कितना भी टाइम पहनो, कितना भी काम करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है ऐसी सब साड़ी। बच्चे सब स्कूल चले गए हैं, अभी कोई नहीं आए हैं, दोनों बच्चे नहीं आए हैं अभी,
अभी 1 बजे तक दोनों बच्चे आ जाएंगे। एक बैंक मानस दोनों स्कूल से नहीं आएंगे, मानस तो भी 12 बजे तक आ जाएगा, बट अब मैं गाय का 1 बजे तक, तो जब तक बच्चे नहीं आते हैं मैं तब तक खाना नहीं खाती हूँ। वो खा के जाते हैं, कुछ लेके भी टिफिन जाते हैं, ऐसा बात थोड़ी नहीं है, बट 1 बजे तक जब मैं खाती नहीं, क्योंकि मतलब साथ में खाओ तो बच्चे भी थोड़ा खाना खा लेते हैं, तो उनका तो खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, इसीलिए हम भी खाना नहीं खाएँ। अभी बच्चे आ जाएंगे फिर सब लोग साथ में।